नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला। देश धीरे धीरे डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। आजकल हर चीज डिजिटली भी हो गई है। वहीं मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो पहले 2G से शुरुआत हुई और फिर 3G, 4G और अब 5G की शुरुआत होने वाली है। अगर आप भी 5G का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में 5G सेवाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में 5G सेवा की शुरुआत करेंगे। भारत में 5G लॉन्च होने के बाद हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे लोगों के जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 5G आने के बाद इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। 5G की स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा होगी। 5G के आने से ऑटोमेशन बढ़ जाएगा। अभी तक जो चीजें बड़े शहरों तक है वो गांव-गांव तक पहुंचने लगेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और ई गवर्नेंस का भी बढ़ावा होगा। इससे बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में क्रांति आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बता दें कि 4G नेटवर्क की एवरेज इंटरनेट स्पीड 45 MBPS के लगभग होती है, लेकिन 5G नेटवर्क पर यह बढ़कर 1000 MBPS तक पहुंच जाएगी। अभी तक देश में लोगों को 4G की सुविधा मिल रही है। आने वाले महीने में 5G सर्विस आने के बाद लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, वहीं कई अन्य एप्लीकेशंस को भी आसानी से इस्तेमाल लोग अब कर सकेंगे। हालांकि 5G के आने के बाद ग्राहकों का अनुभव पहले से कई ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बात चाहे पेमेंट ट्रांजेक्शन की हो या फाइल को डाउनलोड या फिर अपलोड करने की, इन सभी कामों में सिर्फ कुछ चंद सेकेंड का वक्त लगेगा। पांचवी पीढ़ी यानी कि 5G दूर संचार सेवाओं शुरू होने के बाद भी हाई क्वालिटी वाले लंबी वीडियो या फिल्म को आसानी से डाउनलोड भी कर सकेगी। अब बता दें कि यहाँ जी का मतलब मोबाइल नेटवर्क की जनरेशन से होता है। यहाँ 5G सर्विस का मतलब होगा मोबाइल नेटवर्क की पांचवी जनरेशन, जो अभी चल रही 4G LTE से भी ज्यादा तेज होगी। इसकी कनेक्टिविटी, स्पीड, वॉइस क्वालिटी, सिक्योरिटी और बाकी फीचर्स पिछले सभी जनरेशन से काफी ज्यादा बेहतर होंगे। इस नेटवर्क से डाउनलोड और अपलोड की स्पीड भी 4G से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम हाई स्पीड 10 GBPS प्रति सेकंड तक भी हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषय पर वीडियोस हैं। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।